शाकिब अल हसन की कप्तानी में बांग्लादेश ने भारत को करारी हार दी। बांग्लादेश ने भारत को 6 रनों से करारी मात दी। भारत को हराने के बाद बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन घमंड में चूर होते दिखाई दिए। वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने भारत को बड़ी धमकी दी, साथ ही उन्होंने टीम की जीत पर भी बात की। बता दें, शाकिब अल हसन को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दरअसल इस मैच में बांग्लादेश ने भारत को करारी मात दी है। बांग्लादेश ने भारत को 6 रनों से हराया। इस छोटी सी जीत से ही शाकिब अल हसन घमंड में चूर दिखाई दिए और भारत को वर्ल्ड कप में हराने तक की बात कह दी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम विश्व कप में खतरनाक टीम होंगे। शाकिब अल हसन ने आगे कहा, हाँ, हमने उन लोगों को मौका दिया जो ज़्यादा नहीं खेले हैं। यहाँ पिछले कुछ मैचों के बाद हमने सोचा था कि स्पिनर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज मैं जल्दी गया और क्रीज पर बिताने के लिए मेरे पास समय था। ये एक चुनौतीपूर्ण विकेट था, यह थोड़ा सीम कर रहा था और जब गेंद पुरानी हो गई तो यहाँ आसान हो गया। ये गेंदबाजी करने का आसान समय नहीं था, वो गेंदबाजी करने आए और हमें सफलता दिलाई। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने अंत में 5 ओवर भी फेंके जो एक स्पिनर के लिए आसान नहीं है। साथ ही तंजीम ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की और 2 विकेट लिए। हमें बहुत अच्छी टीम मिली है, बहुत सारे खिलाड़ी घायल हो गए और कुछ अंदर बाहर होते रहे, इससे हमें कोई मदद नहीं मिली। बता दें कि शानदार प्रदर्शन के बाद शाकिब अल हसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आपको बता दें, इस मैच में शाकिब अल हसन ने कप्तानी पारी खेली। उन्होंने उस समय मोर्चा संभाला जब टीम मुसीबत में थी, यही कारण है कि उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अर्धशतक जमाया लेकिन शतक से चूक गए। शाकिब ने 85 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 80 रन बनाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन शाकिब अल हसन के बयानबाजी पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।